अगर फिक्स SIP करोगे आप तो 28 लाख रुपए, और अगर स्टेप अप SIP करोगे तो 62 लाख रुपए। ये सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है। दोस्तों जिसको सिर्फ बातें करनी है ना, वो सिर्फ बातें करे, ये वीडियो को छोड़कर चला जाए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 500 रुपए में 1 करोड़ प्लस का कॉर्पस कैसे बना सकते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ 500 रुपए आप कहां पे उड़ा देते हो, आपको पता भी नहीं रहता है, खर्चा कर देते हो कहीं पे। लेकिन यही 500 रुपए को अगर सही जगह पे लगाया जाए तो कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। आपका रिटायरमेंट प्लानिंग हो, आपका बच्चों का एजुकेशन हो, आपका बच्चों का शादी हो, सब चीज इस सिर्फ 500 रुपए से हो सकता है। ये 500 रुपए का प्लान आज आपको डिस्कस करके बताएंगे। क्या क्या चीज आज आपको बताएंगे कि कैसे आप 1 करोड़ का प्लान इस 500 रुपए से बना सकते हैं, कितना बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जहां पे ये सारी चीज आप कर सकते हैं, हमारा सपोर्ट कैसे ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं यहाँ पे, आपको इन्वेस्टमेंट के जरिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको उतार के हेल्प करने वाले हैं। ये सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहते, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे वाला लाल बटन दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, जरा सा भी पसंद आएगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जो डरते हैं इन्वेस्टमेंट से उसको जरूर शेयर करिए। चलिए चलते हैं, 500 रुपए का प्लान, ठीक है, सिर्फ 500 रुपए का प्लान। इसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, देखिए यहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 500 रुपए, ये 500 रुपए अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पे जो बात होती है कि पिछले 10 साल 15 साल में म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया है, कितना रिस्क है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ये 500 रुपए को इन्वेस्ट करेंगे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड। ये चार कैटेगरी इसलिए मैंने यहाँ पे ली है क्योंकि सबके अंदर में अगर रिस्क देखेंगे ना, अलग अलग है। यहाँ पे मॉडरेटली हाई रिस्क है, अगर आप लार्ज एंड मिड में देखेंगे हाई रिस्क है, स्मॉल कैप में वेरी हाई रिस्क है, और इंडेक्स फंड में मॉडरेट रिस्क है। लेकिन ये सारे रिस्क को आप कम कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हॉरिजोन बढ़ाकर। हमने यहाँ पे 30 साल में इन्वेस्टमेंट लिया है, 30 साल का हॉरिजोन लिया, जितना लंबा टाइम तक इन्वेस्ट करोगे ये रिस्क जो है कम हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। इसलिए लंबे टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा। अब यही 500 रुपए हम यहाँ पे हर जगह करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा बकेट को चूज करते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि हर बकेट में आप 500 रुपए लगाएंगे क्या रिटर्न मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप की SIP कर सकते हैं। अगर SIP पता नहीं है तो मैं बता दूं, हर महीने आप 500 रुपए का एक अमाउंट ऑटोमेटिक, जैसे आप EMI भरते हो ऐसे ऑटोमेटिक SIP के अंदर इन्वेस्ट होता जाता है, निवेश होता जाता है, तो इसको बोलते हैं SIP। तो हम 500 रुपए की SIP दो चीज में इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे दो प्लान बताया, एक प्लान है फिक्स, सिर्फ 500 रुपए की 30 साल तक हर महीने 500 रुपए कटते जाएंगे, और दूसरी एक SIP है स्टेप अप SIP, यानी कि इस महीने 500 कटे, एक साल तक 500 कटते जाएंगे, अगले साल से वो 550 हो जाएंगे, यानी 10% बढ़ जाएगा, उसके अगले साल से उसमें और 55 रुपए बढ़ जाएगा, ऐसा करके 10-10% हर साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ता जाएगा। तो दो SIP का प्लान मैंने यहाँ पे बताया, एक फिक्स और एक स्टेप अप, हर एक जगह पे फिक्स एंड स्टेप अप। अब ये 500 रुपए आप देखिए लार्ज कैप फंड्स के अंदर करते हैं, लार्ज कैप का जो रिटर्न है ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करें 10-15 साल की, 12% ऑन एन एवरेज आपको मिल ही जाता है, आप किसी को भी पूछ सकते हैं। तो 12% के हिसाब से अगर ये 500 रुपए में 30 साल तक इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे यहां पे फिक्स SIP के अंदर मिलेंगे 17 लाख रुपए, ये 500 रुपए मुझे बना के दे देंगे 17 लाख रुपए। लेकिन यही चीज अगर मैं स्टेप अप में करता हूं तो 44 लाख रुपए बन जाएंगे। दोस्तों ये मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं सीधा रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा सकूं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि कौन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसके बाद यही 500 रुपए मैंने और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लिया। यहाँ पे तीन टाइप के लोग होते हैं जो बोलते हैं, किसी को बोलते हैं मेरे को ज्यादा रिस्क नहीं लेना, कोई बोलते हैं यस मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, कोई बोलता नहीं मैं बहुत रिस्क लेना चाहता हूँ। ये तीनों कैटेगरी यहाँ पे। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में आपको ऑन एन एवरेज 14-15% मिल जाता है, लेकिन हम लोग उतना ज्यादा नहीं पकड़ते, हम 13% पे पकड़ते हैं, 1% ज्यादा। सिमिलरली 30 साल तक मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये फिक्स SIP मुझे बना के देगी 22 लाख रुपए, अगर मैं स्टेप अप करूंगा तो ये मुझे बना के देगी 52 लाख रुपए। अब यही सेम चीज अगर मैं स्मॉल कैप फंड्स पे करता हूं, स्मॉल कैप फंड्स यानी बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता है जो ग्रोथ हो रही है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली जब लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न भी आपको ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उतना ज्यादा भी नहीं पकड़ रहे हैं। हालांकि अभी 4-5 साल में जो स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है वो 30% आजू बाजू दिया है,
लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ 14% पकड़ के चल रहे हैं। अगर ज्यादा मिला तो आपका नसीब, आप यहाँ पे सिमिलरली हम 30 साल का होरिजोन पकड़ रहे हैं। अगर फिक्स SIP करोगे आप तो 28 लाख रुपए, और अगर स्टेप अप SIP करोगे तो 62 लाख रुपए आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब और एक कैटेगरी के लोग हैं जो बोलेंगे मेरे को ये म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता, आप इंडेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दीजिए, सेंसेक्स इंडेक्स हो गया, निफ्टी इंडेक्स हो गया, अगर उसमें भी करते हैं तो मैं 10% का रिटर्न पकड़ के चल रहा हूँ ऑन एन एवरेज। हालांकि 13% का भी एवरेज आ रहा है इंडेक्स फंड का, बट फिर भी हम लोग 10% ही पकड़ के चल रहे हैं, तो उसमें भी आप 11.39 लाख रुपीस बना लेंगे 30 साल तक, अगर फिक्स 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। अब ये तो हो गई कि कैसे आप SIP करें, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में करें। अब बात करते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, तो उसके लिए हमने प्री लिस्ट पहले से ही बना के रखी है, तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है, मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसे म्यूचुअल फंड आपको बता रहा हूँ, और मैं जो क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूँ यही म्यूचुअल फंड बताता हूँ। लेकिन अगर आप एक बड़ा पोर्टफोलियो बना रहे हैं ना, 20,000-25,000 का SIP कर रहे हैं, तब जाके ये सिनारियो थोड़ा चेंज हो जाता है कि किस में कितना इन्वेस्ट करना है। आप यहाँ पे सिर्फ 500 रुपए की SIP कर रहे हैं तो इसके लिए मेरे हिसाब से एक फंड बहुत है, कोई भी एक फंड चूज कर लीजिए और उसके अंदर 500 रुपए की SIP करिए। लेकिन अगर आप 1,000 रुपए या 1,500 रुपए की SIP का सोच रहे हैं, तब आप 2 से 3 फंड को चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने तीनों कैटेगरी दिखाई है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर कैनरा रोबेको सबसे अच्छा फंड है, ICICI प्रोडेंशियल ब्लू चिप फंड और निपोन इंडिया लार्ज कैप फंड, कोई भी एक फंड पसंद करिए। अगर आप मॉडरेट हाई रिस्क लेना चाहते हैं लार्ज कैप के अंदर, अगर आप फंड पसंद करना चाहते हैं, 3 फंड बेस्ट फंड आपको यहाँ पे दिखा है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरीज है, उसके अंदर कॉटेक इक्विटी अपॉर्चुनिटी एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये दो में से कोई भी फंड पसंद कर सकते हैं। स्मॉल कैप में सबसे बेस्ट मेरे क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये दो में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये क्वांट स्मॉल कैप का 80% का XIRR है, इसका 73% का XIRR है, यानी कि रिटर्न एवरी ईयर का जो रिटर्न है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है, अगर डूबा तो उसी हिसाब से डूबेगा। मैंने आपको और दो कैटेगरी यहाँ पे बताई है, अगर इसमें से आपको समझ में नहीं आ रहा कि लार्ज क्या स्मॉल क्या, तो ये तीनों को मिला के एक कैटेगरी है फ्लैक्सी। इसमें फ्लैक्सी में एक क्वांट फ्लैक्सी कैप फंड है, दूसरा है पराग परिक फ्लैक्सी कैप फंड और एक HDFC फ्लैक्सी कैप फंड, ये तीन में से कोई भी एक फंड चूज करिए। और दूसरा एक कैटेगरी होता है मिड कैप कंपनीज, बीच वाली कंपनी जिसमें ना तो ज्यादा रिस्क है ना तो ज्यादा रिटर्न है, ठीक है, दोनों के मिड वाली कंपनी। इसमें 3 म्यूचुअल फंड है, क्वांट एक्टिव म्यूचुअल फंड, SBI मैग्नम एंड HDFC मिड, ये तीन में से कोई भी एक फंड पसंद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन 500 रुपए की SIP जब आप कर रहे हैं ना, एक ही फंड पसंद करना, 100-100 रुपए की SIP वाला 3-4 फंड पसंद करने की जरूरत नहीं है, 500 रुपए में एक ही SIP करिए। जब आपको लगे कि 2 साल 4 साल 5 साल बाद आपके पास अभी और 500 रुपए की आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट का या एडिशनल SIP कर सकते हैं, तब इसमें से कोई और एक म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको और कुछ सहायता चाहिए ना, तो नीचे में मेरा एक लिंक है SIP अकाउंट, फ्री में SIP अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, और वहां पे अगर आपको इसमें से कुछ पसंद समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर्सनली मैं बात करता हूं, तो वहां पे चैट बॉक्स के अंदर मेरे साथ बात कर सकते हैं। कुछ डाउट है इसके अंदर कि क्या होता है SIP या कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कितना होरिजोन के लिए करूं, या इससे ज्यादा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, ये हो गई 500 रुपए की बात। अब अगर मान लीजिए 500 रुपए भी अभी नहीं निकाल सकते, आप 100 रुपए की SIP भी चालू कर सकते हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे फंड है जो 100 रुपए की SIP भी अलाउ करते हैं। जनरली ज्यादातर फंड 500 रुपए मिनिमम रखे हैं, लेकिन कुछ फंड ऐसे हैं जो 100 रुपए से भी SIP आपको अलाउ करते हैं करना। तो अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी हाल के दिन में नहीं कर सकते तो 100 रुपए से चालू कर दीजिए, लेकिन निवेश की आदत बनाइए, यही आदत आपको आगे जाके बहुत फायदा देगी, पैसा बनेगा। अगर इसी तरह उड़ाते रहे पैसा, जब बूढ़े होंगे ना कुछ नहीं होगा हाथ में, इसलिए बोल रहा हूं निवेश की आदत बनाइए। कल का मेरा वीडियो नहीं देखा तो देखिए कैसे आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसका जो रिटर्न है वो आपकी सैलरी से बढ़ जाएगा। अगर जब ये होगा ना तब आपको जॉब का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये फिनेंशियल फ्रीडम कैसे पा सकते हैं, उसके लिए कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो देख लीजिए, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है। और इससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि निवेश क्यों जरूरी है, क्यों छोटा से छोटा निवेश चाहे 100 रुपए का क्यों ना हो, लेकिन निवेश की आदत बनाइए, यही आदत आपको लंबे टाइम पे काम आएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं और कोई नए वीडियो में, तब तक स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।